उधर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वासियों से कोरोना वायरस टीकाकरण को लेकर फैलाई जा रही अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की। उन्होंने दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में टीकाकरण की व्यवस्थाओं का मुआयना करने के दौरान मीडिया से बातचीत में कहा कि दिल्ली के 81 टीकाकरण केंद्रों पर 8,100 लोगों को वैक्सीन मिलेगी। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो अफवाहों पर ध्यान ना दें। विशेषज्ञों ने कहा है कि टीका पूरी तरीके से सुरक्षित है। 81 जगहों पे शुरू किया है, कुछ दिन के बाद इसको 125 के करीब ले जाएंगे और फिर उसके बाद जैसे जैसे वैक्सीन की उपलब्धता बढ़ती जाएगी हम 1,000 जगहों के ऊपर करने के लिए तैयार हैं। केवल कोई सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स को, डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक स्टाफ हैं, जो जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको लगाया जाएगा पहले चरण में। और ये लोग वो लोग हैं जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, इन लोगों का स्वस्थ रहना, इन लोगों का कोरोना फ्री रहना सबसे जरूरी है। ये कोरोना फ्री होंगे तो हम लोगों की सेवा कर पाएंगे।